स्टूडेंट, वेलकम टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हमने क्लास 7 के इंग्लिश सब्जेक्ट को लिया है। यहाँ पे हम आज लेसन 10 को समझ रहे हैं। लेसन 10 अवर लिटिल रिवर, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, नाउ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज द रिवर। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द रिवर। सो आंसर इज, द रिवर इज ट्विस्टेड एंड क्लीन। अगेन, द रिवर इज ट्विस्टेड एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट इजी टू क्रॉस द रिवर इन समर। आंसर, द रिवर इज जस्ट नी डीप इन समर, सो इट इज इजी टू क्रॉस इट। क्वेश्चन नंबर 3, कैन द एनिमल्स ऑल्सो क्रॉस द रिवर इन समर। आंसर, यस, द एनिमल्स कैन ऑल्सो क्रॉस द रिवर इन समर थ्रू सैलो प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द रिवर बैंक्स लुक लाइक इन समर। आंसर, द रिवर बैंक्स आर ड्राई एंड क्लीन इन समर एंड स्पार्कलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द सैंड ग्लिंट एंड ग्लिम। आंसर, द सैंड ग्लिंट्स एंड ग्लिम्स because of sun rays. Question number 6, why do the jackals go there at night? Answer, the jackals come there at night for their hunt. Question number 7, on which side of the river are the village houses situated? Answer, the village's houses are situated on the bank where palm and mango trees stood. Question number 8, in which season the river fills up to the brim? Answer, the river fills up to the brim in the rainy season. Question number 9, how does the river water look? Answer, the river water looks like muddy. Question number 10, why do the villagers have a joyful mood? Answer, the villagers have joyful mood to celebrate festival of rain.
आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.